हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू माय चैनल ट्रेवलर्स हेल्प। आज मैं आप लोगों को एक बाइक राइडिंग का वीडियो दिखाने वाला हूँ जो हम लोग मेघालय में किए थे। बहुत ही खूबसूरत वैली में गुजरते हुए हम लोग शिलोंग से चेरापुंजी गए थे और रास्ते में ये खूबसूरत वादियाँ, वैलीज, बादल, ये सब देखते देखते हम लोग जाके पहुँच गए थे चेरापुंजी। और उधर का जो खूबसूरत लैंडस्केप लद्दाख जैसा वैलीज में गुजरते हुए लास्ट में जाके पहुंच गए थे डॉकी। तो देखते रहिए। सबसे पहले हम लोग चलना शुरू किए थे शिलोंग एयरपोर्ट से शिलोंग सिटी की ओर। तो ये हम लोग एक कार से पास किए थे, तो वही नज़ारे आप लोग देख रहे हैं। अभी हम पास कर रहे हैं रीकानन रिजॉर्ट जो शिलोंग का एक बेहतरीन रिजॉर्ट है। अभी हम पास कर रहे हैं शिलोंग की फेमस बड़ा पानी या उमियम लेक। बहुत ही ब्यूटीफुल लेक है ये। और उधर से हम शिलोंग सिटी पहुंच के उधर से एक बाइक रेंट पर लेके हम लोग निकल गए चेरापुंजी की ओर। तो बादल था और थोड़ा थोड़ा बारिश भी गिर रहा था, लेकिन उस मौसम में राइड करते हुए बहुत मज़ा भी आ रहा था। एक एडवेंचरस जर्नी वेट कर रहा था। तो फ्रेंड्स, यहाँ से शुरू होता है वैली व्यू, मतलब खूबसूरत वैली यहाँ से दिखना शुरू होता है।
इस जगह का नाम है मॉक डॉक डिम्पेक वैली व्यू पॉइंट। तो इधर से गुजरते वक्त बहुत ही खूबसूरत सा वैली एंजॉय करने वाले हो। अभी आप लोग देख रहे हो चेरापुंजी की ब्यूटीफुल लैंडस्केप जो कुछ लद्दाख की जैसा दिखता है। तो हम लोग चेरापुंजी में जितना भी साइट सीइंग प्लेसेस है
सब कुछ एक दिन में विजिट करके निकल गए हैं डॉकी की तरफ। तो डॉकी एशिया का सबसे क्लीनेस्ट रिवर है, एकदम ट्रांसपेरेंट पूरे नीचे की तरफ दिखता है। तो उस जगह जाने के लिए हम लोग निकल गए। तो अभी हम पास कर रहे हैं चेरापुंजी टाउन और धीरे धीरे डॉकी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे ही चलते चलते हम लोग पहुँच गए शाम को डॉकी रिवर। तो उधर हम लोग बहुत एंजॉय किए थे। और ये जो खूबसूरत रिवर है ट्रांसपेरेंट, इसमें बोटिंग भी किए थे। तो बोटिंग की वक्त एकदम नीचे का जितना भी पत्थर है सब दिखाई देता है उधर, और बहुत बढ़िया सा फीलिंग है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। तो अगर पसंद आया है आपको तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, और प्लीज़ मेरे जो चैनल है इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।